हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर ट्यूटोरियल्स। आज हम मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू कैसी फाइंड की जाती है पहले वो पढ़ेंगे, फिर सेकेंडली हम ग्राफिकली मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंटेशन करके फाइंड करते वो पढ़ेंगे, और तो और क्रैमर्स रूल की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है वो पढ़ेंगे। एट दी एंड हम इस चैप्टर का कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसमें इस चैप्टर के बारे में कुछ पता चलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन से। उससे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर का मतलब कैसे समझ लेते हैं। तो ये लीनियर लीनियर वर्ड हमें क्या समझते हैं, लीनियर लीनियर मतलब मान लीजिए ये एक्स है उसकी पावर ए है, इसे हम बोलते हैं बेस, और इसको हम पावर इंडेक्स या डिग्री, ये तीन अलग अलग नाम से हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये तीनों का जो मतलब है एट दी एंड सेम है, अगर कोई भी इस जो पावर या इंडेक्स या डिग्री इसकी वैल्यू अगर वन होगी तो जो वेरिएबल है उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। अब पढ़ेंगे वेरिएबल, बी ए आर आई ए बी एल, वेरिएबल वेरिएबल मतलब अल्फाबेट के कोई भी वर्ड्स एक्स वाई जेड डॉट डॉट एनीथिंग। तो जनरली हम एक्स वाई जेड ये सब यूज करते हैं इन द वेरिएबल फॉर्म में। अब पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, इसमें मतलब होता क्या, जनरल फॉर्म इसका है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैंने यहां पर इक्वेशन तो लिख दिया बट इसका मतलब क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी है कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी कॉन्स्टेंट है, मतलब ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ क्या ए, एक्स के कोई भी नंबर है उसको क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसी सेम उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई उसका वाई क्या है बी, तो बी क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई एनी नंबर कोई भी एक नंबर उसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म पढ़ा था जिसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सी कांस्टेंट, हम कोई भी लिख ले सकते हैं। हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बच्चों यहां ध्यान दो, यहां हम पढ़ेंगे एडिंग और पढ़ेंगे सब्सट्रैक्टिंग। तो एडिंग पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे क्या होता है, इक्वेशन एक्स प्लस y इक्वल टू टू, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, यहां पर इक्वेशन नंबर टू। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्टिंग में कुछ इक्वेशन लेते हैं हम, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर। तो मान लीजिए दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है बच्चों लोग, इसमें क्या है जो सिंबल है ना वो अलग है, यहां पे जो साइन है वो क्या है सेम है, तो साइन डिफरेंट रहा हम क्या करेंगे एडिंग, और अगर साइन सेम रहा तो हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्टिंग। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते क्या देखते हैं, यहां पर हमने क्या किया एडिंग, मान लीजिए एडिंग कर दी हमने, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, टू एक्स इक्वल टू फोर, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू फोर अपॉन टू वन जा टू, या फिर एक्स इक्वल टू टू, ये जो इक्वेशन है इसको हम वन या टू में सब्स्टिट्यूट करके वाई फिल निकाल सकते। तो मैं यहां पर वन इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन, मैं वन में करके निकाल रहा हूं, आप टू में करके निकाल सकते जैसी आपकी इच्छा। यहां पर होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, एक्स के लिए क्या मिली टू प्लस वाई इक्वल टू टू, तो क्या हो गई वाई इक्वल टू टू माइनस टू, वाई के लिए मिली कितनी जीरो। तो आप चाहते हैं एक स्टेप एडिशन कर सकते हो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज क्या मिल जाए टू कॉमा जीरो। समझ आते हैं, हम देखते हैं सब्ट्रैक्टिंग है, तो यहाँ पे एक फंडा याद रखिए सब्ट्रैक्टिंग में ना सिंबल इंटरचेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस,
तो सब्ट्रैक्टिंग करें आप कुछ नहीं पता, हम पॉजिटिव नंबर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेकंड इक्वेशन का जो साइन है ना हम नहीं देखेंगे, उसके बाद हमें चेंज का साइन को देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, हो जाएगा 2 - 1 x = 4 - 2 - 2। तो हम एक्स के लिए मिल गए यहाँ पे माइनस टू, तो ये जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे मैंने इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट किया था, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन टू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस टू इन इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू लिखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर। एक्स के लिए हमें यहाँ क्या मिली, माइनस टू प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, तो हो जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री हो जाएगा प्लस फोर प्लस टू y equals to 6, last week step, therefore the value of x comma y is minus 2 comma 6। तो ये हमने सिंप्लीफाई इक्वेशन देख ली थी, यहाँ पे क्या है अब, तो हमने जो इक्वेशन वाला उसको शॉर्टकट लिख के लेते हैं, आपको हेल्प दे मैं साइड में इक्वेशन लिख दे। अगर एडिंग में आते क्या रहेगा, साइन क्या रहेगा, साइन डिफरेंट, क्या रहेगा डिफरेंट, तो मिल रहा है सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग में क्या रहेगा साइन, बच्चा लोग साइन क्या रहेगा सेम। चलो आगे कॉम्प्लिकेट हम पढ़ लेते हैं, चलिए जल्दी देख लेते कॉम्प्लिकेट। एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल्स टू टेन, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन। 3x माइनस टू वाई इक्वल्स टू सेवन, इसको दे इक्वेशन नंबर टू। यहाँ पे क्या बच्चा लोग, इक्वेशन जो पहला था ना उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ y था वो क्या था, सेम था। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है ना, डिफरेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, जो y का जो कोएफिशिएंट है ना उसका हम चेंज करेंगे, इनका चेंज और मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए मैंने ये किया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, y जो सेकंड था उसको फर्स्ट है, मतलब by 2 and second by 1, 7, समझे यहां तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हमने किससे किया, 2 से, तो क्या रहेगा 2 into x plus 7, sorry 2 into 7 y plus 2, sorry equals to 2 into 10, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने का 2x plus 14y equals to 10, equals को दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन हम किसमें लगाएंगे, 7 से, 7 इंटू 3x माइनस 7 इंटू 2y इक्वल्स टू 7 इंटू 7, जो है इक्वेशन, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन 21x माइनस 14y इक्वल्स टू 49, जो है इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन हम करेंगे, देखो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, साइन क्या है, क्या है डिफरेंट, तो क्या करेंगे एडिंग, इसको एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड क्या था 2x प्लस 14y इक्वल टू 20, ये क्या हो जाएगा 21x माइनस 14y इक्वल टू 49, एडिंग मतलब कैंसिल आउट, 23 इक्वल टू 69, x इक्वल टू 69 अपॉन 23, 1 जा 3 जा, तो x के लिए हमें लिखे दोस्तों 3। अब आगे x के लिए हम 1, 2, 3, 4 किसे सब्स्टिट्यूट कर सकते, मान लीजिए मैंने 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू कितना 3 इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन क्या था दोस्तों, बच्चा लोग x प्लस 7 y इक्वल्स टू 10, x के लिए क्या मिली दोस्तों, बच्चा लोग 3, 3 प्लस 7 y इक्वल्स टू 10, 7y equals to 10 minus 3, 7y equals to 7, y equals to 7 upon 7, 1 जा 1 जा, y equals to 1, so last में, therefore the value of x comma y is क्या 3 comma 1। तो इस तरह का समझा, अगर if coefficient of y are different, then first we
मैच देम एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। इसका मतलब क्या है बच्चे लोग, अगर y की जो कोफिशियंट अगर अलग है तो हम उसको पहले सेम करेंगे, मल्टीप्लाई करके सेकेंड कोफिशियंट फर्स्ट से, फर्स्ट कोफिशियंट सेकेंड से, फिर आगे उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने पहले कॉम्प्लीमेंट, ये एक्सरसाइज का लास्ट एक टाइप का सम करेंगे, फिर इसको वाइंड अप करेंगे हम यहाँ पे। इसमें से आप हिंट्स देख सकते हैं, ये पहला एक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, अब हम एक मेथड सीखेंगे जिसका नाम है ए एस ए मेथड। यानी कि सबसे पहले हम करेंगे एडिंग, जो भी इक्वेशन दे रहे हैं उसको हम करेंगे एडिंग, फिर सब्सट्रैक्टिंग, फिर वो लास्ट इक्वेशन उसको क्या करेंगे हम एडिंग। अब हम पता कैसे चलेगा कि बाकी इक्वेशन और ये इक्वेशन में फर्क क्या है, तो कैसे करेंगे हम एग्जांपल से करते हैं। तो यहां पे देखो जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, वो कोएफिशिएंट ऑफ वाई वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो इस टाइप की क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करते हैं, ए एस ए मेथड। पहले एडिंग करेंगे, फिर सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, फिर एडिंग करेंगे, पहले एडिंग सब्ट्रैक्टिंग पहले तो क्वेश्चन करेंगे, और एडिंग फिर जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन मिला उसको एड करेंगे। तो मान लीजिए हम यहां करेंगे पहले एडिंग, तो हम यहां पर एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एडिंग करना है तो इक्वेशन को लिख दिया मैं 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। मान लीजिए मैं इसको एडिंग कर रहा हूं तो कितना रहेगा 16 to 6 106x माइनस 106y इक्वल्स टू 423। तो मैंने क्या किया, डिवाइड थ्रू आउट बाय किसे 106, तो क्या जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3, सॉरी ये x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको भी इक्वेशन नंबर 3। मैंने क्या किया आइडिया, अब हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्टिंग, किसको इक्वेशन वन एंड टू को ही करेंगे। जैसे करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, इसका मतलब पहले इक्वेशन को सेकेंड से माइनस करेंगे। तो जैसे लिखेंगे 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, आपको सिखा रहा साइन चेंज होगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो कितना जाएगा 49 माइनस 57 तो क्या जाएगा a माइनस 8x, क्या जाएगा सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस 8y, हो जाएगा ये हो गया 0, 7 में से 5 गया कितना 2, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये 2 में 0 गया 0, फिर 7 8 8 आया यहाँ पे, कितना आएगा आगे उसमें से बड़ा कौन सा है 252 से साइन किया माइनस माइनस 8 आएगा, तो क्या करेंगे डिवाइड थ्रू आउट बाय माइनस 8, फाइव से डिवाइड किया तो क्या जाएगा माइनस सॉरी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 यहाँ वाला, इक्वेशन 4 यहाँ वाला, अब क्या करेंगे इसको एडिंग, तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या आ जाएगा इसको मैंने लिखा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, क्या हो जाएगा कैंसिल, ये जाएगा 2x इक्वल टू 14, एक्स कितना जाएगा 14 अपॉन 2, तो एक्स कितना वाला हमें 7। अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 2 3 4 में, जनरली जो इजी रहेगा हम वही करेंगे, उसको सही सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन
इसमें थर्ड थर्ड इक्वेशन क्या था, आप फोर्थ में आगे कर सकते बच्चा लोग क्या देगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, तो एक्स वैल्यू कितनी होगी सेवन माइनस वाई इक्वल टू फोर, तो क्या जाएगा माइनस वाई इक्वल टू फोर माइनस सेवन माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री, तो आई वैल्यू वाली थ्री। तो इस प्रैक्टिस सेट में मीन ये एक्सरसाइज में हमने जितना किया ये था, पहला समंदर्सी इक्वेशन सॉल्व किया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर एडिंग कैसे करते हैं सबट्रैक्टिंग कैसे करते हैं, एडिंग में करेंगे साइन अलग रहेगा तो एडिंग करेंगे साइन सेम आता है एडिंग सबट्रैक्टिंग करेंगे, फिर दूसरा अगर सम्स क्या था अगर y का कोएफिशिएंट अलग रहेगा तो उसमें क्या करेंगे सेम, फिर उसको एडिंग सबट्रैक्टिंग करके सॉल्व करेंगे, और एक मेथड था ए एस ए मेथड, इसमें जो पहले जो इक्वेशन थे उसको हम एडिंग करेंगे फिर उसी इक्वेशन में सबट्रैक्टिंग करेंगे तो हमको तीन या चार इक्वेशन मिलेगा, फिर सिंपली उसको एड करके रैक्स करके निकलेगी फिर सब्स्टिट्यूट करके वाई की निकलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर बच्चा लोग आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल मिला हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, उस सपोर्ट को देख के हम मोटिवेट होकर आपके लिए नए से नए वीडियो बना सके।